हीरो फिल्म का हो या ड्रामे का, अगर ख्वातीन में मकबूल है तो उसे हीरो माना जाता है, वरना हर लीड कैरेक्टर करने वाला हीरो नहीं होता। एहसन खान का करियर एक कामयाब हीरो का करियर है। इनके सीरियल्स, टेली फिल्म्स और फीचर फिल्म्स की कामयाबी में इनकी पुरेसरार एक्टिंग और पुरकशिश शख्सियत का बहुत दखल है। आज कॉन्वर्सेशन में ये हमारे मेहमान हैं। एहसन, एक बात सच सच बताना, तुम उडारी में इतने बदतमीज घटिया इंसान बने हो, खुदा की कसम। अच्छा? तुम्हें थप्पड़ पड़ते हैं? कसम से सही बताओ, सड़क पे आंटियां रोक के कुछ कहती हैं, तुम्हें थप्पड़ मारती हैं? अच्छा, आंटियों की बात वैसे बड़ी मजे की, मतलब जो यंगर लॉट है, देयर लाइक ओ यू एक्ट इट सो वेल, और जो आंटियां है ना, वो कहती बेटा तुमने क्या काम किया, अच्छा नहीं किया तुमने। मैं कहता हूँ जी वो एक तो अच्छा किया है, एक कॉज था, एक रीजन था। बिल्कुल नहीं, आइंदा ना करना, बहुत बुरा था बेटा, लेकिन एक्टिंग बहुत। जी आप ये बुराई कर रही हैं, आप अच्छाई कर रही हैं, इज इट अ कॉम्प्लीमेंट? मुझे तो नफरत ज्यादा लग रही थी, बिकॉज़ यू वर सो गुड इन इट, यू वर सो गुड एहसन, रियली यू वर सो गुड, रियली। आई मीन हमारी यहाँ तो ड्रामे एज इन मैं खास नहीं देखती, लेकिन मेरी फुप्पो साथ रहती हैं और अन्नो बाजी इज लाइक फिक्सेटेड ना वे ड्रामे। ओफ खुदाया, हम दुबई गए हुए थे छुट्टी पे समर में, वहाँ पे भी उडारी ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। मेरी कज़न और मेरी फुप्पो बैठ के एक तो देखें, फिर उस पर बैठ के डिस्कशन करें, फिर हिचकियों से रोएं कि ये होता है, ये जिंदगी में होता है, तुम्हें पता है, और वो कितना बुरा है, वो कितना कमीना आदमी है ये। बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट यू रियली हिट अ नर्व विद दैट कैरेक्टर, एंड इट मस्ट हैव टेकन गट्स। तुमने हाँ कैसे की, क्योंकि एक होता है यार, एक होती है झिझक के यार, एक तो सब मुझे पसंद करें, यू नो? नहीं नहीं, ये बात नहीं, यू नो एज एन एक्टर, व्हेन यू फोकसिंग ऑन एक्टिंग, सो आपका जो पैशन ऑफ एक्टिंग होता है ना, उसमें यू नीड पीपल टू से कि यू आर अ वेरी गुड एक्टर, यू डोंट जस्ट नीड देम टू से कि ओ ही सो स्वीट, सो नाइस लुकिंग, यू नो, वो बहुत हो गया, 8-10 साल वही चलता आ रहा है। तो और कैरेक्टर्स भी एज यू नो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, या तो लड़का दो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, या बेचारा जुदाई में रो रहा है, या सास बहू चल रही है और वो बीच में पिस गया है, छुपा के एक और बीवी की कर रही है। तो ये ज्यादातर ऐसी स्टोरीज जो कि सभी ने की है, दैट्स ऑल्सो ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जरा ओवरडू हो जाता है, तो आपको यू गेट लेस चांसेस टू यू नो लाइक प्रूव योरसेल्फ एज एन एक्टर, लाइक आपकी जो कि आप कितनी आपकी रेंज है एज एन एक्टर, लोगों को पता नहीं चलता, पूरी पूरी लाइफ गुजर जाती है, आप अपनी रेंज दिखा नहीं सकते। सो मुझे जब लाइक यू सेड कि अच्छा किया, या मुश्किल एज सच नहीं हुआ कैरेक्टर करते, बिकॉज मुझे समझ में आया आप बड़े अच्छे, अब आप बहुत अच्छे एक्टर हो गए। मैंने कहा आप क्या मतलब यार, ये क्या बात हुई, मतलब आप आपका रेंज जब चेक होता है आपको, अगर डायरेक्टर्स स्क्रिप्ट राइटर्स आपके लिए कुछ लिखते हैं, तो फिर लोगों को तभी अंदाजा होता है कि इसका रेंज कहाँ तक है। और मुझे अभी भी लगता है कि यार उडारी इज वन चैप्टर विच इज लाइक क्लोज इन अ वे, नाउ आई हैव टू डू समथिंग एल्स, कुछ नया। बट उडारी का जो पर्पस है वो ऐसा पर्पस है कि जिसको लेके मैं आई मीन उसको हमेशा चलना चाहता हूँ कि वो चले साथ। और आई मीन टेलीविजन इज द मेन स्ट्रीम थिंग इन पाकिस्तान, यू नो लाइक फिल्म्स कम हैं अभी यहाँ पे, और वैसे ही सिक्योरिटी इतनी कम है कि लोगों के पास कोई आउटलेट नहीं है, तो घरों में टेलीविजन बहुत देखा जाता है, एंड वी मेक अ लॉट ऑफ गुड स्टफ एज वेल, लाइक वर्ल्ड वाइड पीपल लव आवर टेलीविजन। सो आई फेल्ट कि यार टेलीविजन पे अगर इतनी कोई एजुकेशनल प्लस अवेयरनेस एंटरटेनमेंट चीज अगर मिक्सअप होके जा सकती है, इतनी अच्छी हो सकती है, तो व्हाई हैवंट वी एवर फोकस्ड ऑन दिस? सो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट थिंग, इट जस्ट हैपेंड। अच्छा, अब क्योंकि तुमसे और भी मज़े की बातें करनी है, लेकिन एक गेम खेलना है तुम्हारे साथ, और इसको हम रैपिड फायर नहीं कहते, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग रैपिड फायर कहते हैं, हम तो बहुत ओरिजिनल चीज़ कर रहे हैं जो किसी ने पहले नहीं किया किसी शो में, समझ गए हो ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों लोग इसको समझ रहे हैं। लेकिन तुम्हें दो ऑप्शन दूंगी, लेकिन सोचना नहीं है एहसन, प्लीज़ स्पॉन्टेनियस जवाब देना फ़ौरन, ज़्यादा सोचते हैं ना तो फिर उसका बिल्कुल मज़ा खत्म। हाँ, इट हैज़ टू जस्ट
ओके चलो ट्राई करते हैं। हाँ चलो, रीमा खान या मीरा? रीमा ऑब्वियसली। सैयद नूर या जावेद फाजल? जावेद फाजल। भज्जे के पाए या साबरे की नहारी? नहारी। उर्वा हुसैन या मौरा हुसैन? उर्वा। डांस विद महवेश हयात या डांस विद रीमा खान? महवेश। मीरातुल अरूस का हाशिम या उडारी का इम्तियाज शेख? इम्तियाज शेख। अंजुमन या बाबरा शरीफ? बाबरा। खलीलुर रहमान कमर या अमजद इस्लाम अमजद? अमजद इस्लाम। शुएब अख्तर या वकार यूनस? शुएब अख्तर। ना ढाबे की दूध पत्ती या फाइव स्टार? फाइव स्टार ढाबे की दूध पत्ती यार, ऑब्वियसली सही है। रोल एज अ पॉलिटिशियन करना चाहोगे या रोल एज अ सोशल वर्कर? सोशल वर्कर। ओके, ताहिर शाह का आई टू आई या ताहिर शाह का एंजल? आई टू आई। आई टू आई नहीं यार, नहीं। अच्छा चलो, ब्रेकफास्ट विद सबा कमर या डिनर विद मथीरा? ब्रेकफास्ट विद सबा कमर। सही। ससुराल में हाजिरी या फिल्म की शूट? सच बोल, फिल्म की शूट। फ्यूचर में एज डायरेक्टर या एज प्रोड्यूसर? बोथ। बोथ। शीरी मजारी या फिरदौस आशिक अवान? शीरी। शीरी ठीक है। शहजाद रॉय या जवाद अहमद? शहजाद एंड जवाद, दोनों ही। दोनों ओके। साहिर लोधी मॉर्निंग शो होस्ट या साहिर लोधी एज अ हीरो? मॉर्निंग शो होस्ट। अच्छा बोल ही दो। वजाहत रऊफ की कराची से लाहौर या वजाहत रऊफ की लाहौर से आगे? आई थिंक द सेकंड वन, लाहौर से आगे। या ओके। आइटम सॉन्ग में सुहाई अली अब्रो या आइटम सॉन्ग में आयशा उमर? सुहाई की परफॉर्मेंस और आयशा उमर मिक्स एंड मैच। इंटरेस्टिंग, ये सही था वैसे जवाब। ऐसी पॉलिटिकली करेक्ट इंसान है आप काफी। अच्छा सुनो, बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि एक्टिंग करनी? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में। यस है ना, जब वो पुराने एक्टर, जब तुम दो साल के थे, है ना। हाँ, मैं ये आप सोचते हैं एक्टर, किसी एक्टर से सवाल करते हैं आप क्या बनना चाहते? मैं हमेशा से अदाकार बनना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन मैं बनना नहीं, मतलब कभी सोचा नहीं था, बट आई स्टिल रिमेम्बर के स्कूल के हर प्ले में, दो दो प्लेज में, कॉलेज में, हर जगह। तो आई यूज़ टू बी वेरी एक्टिव, सो वो फिर ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि ओ अच्छा, ये भी काम है और ये करना चाहिए। हाँ। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में डिसाइड हुआ या उससे पहले डिसाइड हुआ? स्कूल से पहले। अच्छा, बाहर क्यों रहते थे, क्या पढ़ रहे थे बाहर? बाहर पढ़ नहीं रहा था, आई वाज बोर्न देयर यार, मेरे अम्मी बाबा वहां रहते थे। ओह, एंड देन लिविंग देयर, वहां पैदा होना एंड देन कमिंग बैक टू पाकिस्तान वाज नॉट माय डिसीजन एट ऑल, इट वाज देयर डिसीजन। और तुम कितने छोटे थे? आई वाज लाइक 12ish व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान। कुछ एडजस्टमेंट तुम्हें शॉक प्रॉब्लम हुई? हां हुई ना। पता क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ये था कि उर्दू बोलनी बहुत अच्छी आती है लेकिन लिखनी बिल्कुल अच्छी नहीं आती, तो वो एक मेजर इशू हुआ। और आई रिमेम्बर कि उर्दू का सब्जेक्ट जो था वो अब बहुत अच्छी लगती है, उर्दू। आई लव उर्दू, आई लव रीडिंग उर्दू एंड ऑल, बट उस वक्त वो जो बच्चों पे एक प्रेशर नहीं आ जाता यार, वो बड़ा स्केरी प्रेशर होता है। वो होता है वैसे, यू नो, इट्स लाइक टोटली यू लिविंग योर फ्रेंड्स, यू लिविंग योर कंफर्ट जोन एंड शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस, दैट वाज क्वाइट अ ट्रॉमा। अच्छा एक बात बताओ, एक्टर्स जो होते हैं उनको काफी, एंड आई नो यू आर द टाइप ऑफ कैरेक्टर एक्टर जो आई नो आ जाता है अपने रोल में थोड़ा, क्योंकि यू लाइक टू फील द पार्ट, नॉट जस्ट एक्ट द पार्ट। तो वो कभी मसले होते हैं बेगम के साथ के, व्हेन यू आर डूइंग, लाइक डू यू गेट कैरिड अवे? आई एम नॉट सेइंग रोमांटिकली कि तुम इश्क हो जाता है एक्ट्रेस से, ये मेरा मतलब नहीं है। अमेरिका शायद ये वो सवाल है, क्या वो कभी इश्क हुआ किसी अदाकारा से? नहीं ये नहीं, बट एक होता है ना कि उस कैरेक्टर को शेड करना, उससे निकलना। अच्छा नहीं होता, आई फील के नहीं होता, बट इतना जरूर है कि आई गेट सो इन्वॉल्वड के विदाउट रियलाइजिंग, लाइक मुझे दूसरे लोग कह रहे थे कि यू आर यू नो इन दैट जोन, बट जनरली उससे निकलना कोई मुश्किल नहीं होता। इट्स आई थिंक इमोशनली अगर थोड़े स्ट्रांग हैं तो आप फील करते हैं चीजें, आप दुनिया में 50 चीजें फील करते हैं। आई थिंक यू शुड बी लिटिल यू नो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और एक्टर में तो और भी ज्यादा सेंसिटिविटी भी होती है लेकिन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली, इट्स इजी टू गेट आउट ऑफ दैट, वरना तो मसला ही हो जाएगा। और कैसे साइकोलॉजिकली इश्यूज? या अच्छा एक मजे की बात यह है कि तुम्हारी बहुत दोस्ती थी बेगम से 5-6 साल बिफोर यू गॉट मैरिड, तुम बता रहे थे, तो डज दैट हेल्प टिल टुडे, लाइक आर यू स्टिल लाइक गुड फ्रेंड्स बिकॉज़ यू हैव 3 बच्चास माशाल्लाह से? या इट रियली हेल्प्ड एक्चुअली। आई थिंक कि जो शादी से पहले की दोस्ती थी ना, वही एक वजह है कि शादी जो है वो इतनी माशाल्लाह कंफर्टेबली चल रही है, क्योंकि शी अंडरस्टूड माय वर्क रूटीन, शी अंडरस्टूड माय
लाइक सोशल लाइफ ऑल्सो, ऑल्दो शादी के बाद बच्चों के बाद थोड़ी सोशल लाइफ कम होगी, वो टाइम इज मोर स्पेंट एट होम विद किड्स, यू नो, बट शी अंडरस्टैंड द स्टफ के आउटडोर ट्रैवल कर रहा है और इफ ही इज फ्रेंडली विद हिज colleague or something, you know, so she's very like comfortable about that. अच्छा, and I think अब तो वो ऐसा ज़माना है ना, if she's comfortable कि I mean जो तुम्हारे colleagues हैं वो दोस्त भी होंगे, वो घर भी आते होंगे और तुम दोनों socialize भी करते हो साथ, तो it's not like or do you keep it separate? I don't keep it separate, but the thing is कि she's a very possessive mother in a way कि उसको अगर बच्चों को time देना है तो 100% देना है, and she'll be like नहीं यार मैं नहीं जा सकती, सुबह सुबह उठ के वहाँ जाना या रात में लेट आना है, बच्चे will, so she's like तुम करो, it's your like work stuff as well, so I have to sort this out, and gradually like kids are growing and now she's started like socializing more with me, तो पहले तो वो माशाल्लाह एक के बाद एक, माशाल्लाह से, तो फिर वो जरा time भी उसको कम मिला, जरा कम आया, I can understand. ख्वातीन और हजरात, हम इस वक्त सैनी स्टार सिनेमा के बाहर खड़ा है और चौपा चौपाई जो है वो सुपर हिट शाहकार निकला है. सोनिया से पूछेंगे फिल्म कैसा था. सोनिया, ओफ बहुत जबरदस्त मूवी थी. अच्छा, एक और जो मैं तुमसे सवाल करना चाह रही हूँ, जो हम शो शुरू करने से पहले भी मैंने छेड़ी थी ये बात कि तुम उन कुछ बहुत ही फ्यू एक्टर्स में से हो जो हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल नाउ, कि 8-10 साल तो हो ही गए, कहीं नहीं गए, और अभी भी यू मैनेज टू स्टे वेरी करंट. तो ये भी नहीं हुआ है कि तुम अचानक से बड़े भाई के रोलों में आ गए हो, या यू आर स्टिल वेरी मच देयर. कुछ डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो गए इंडस्ट्री के, क्या तुम्हें फील होता है कि पहले ज़्यादा एक्टिंग पे हमेशा मुझे याद है फोकस होता था, कैरेक्टर पे होता था, अब फील होता है कि बहुत ही इट्स के हाउ यू लुक, कि तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, फिर सोशल मीडिया भी आ गया है बीच में कि एक्सेसिबल बहुत हो, एक प्राइवेट लाइफ इतनी प्राइवेट भी नहीं रही है, ने फील किया है कि वो कुछ फ़र्क आया इंडस्ट्री में इन जनरल? लाइक यू सेड कि एक्टिंग पे पहले ज़्यादा वो करते थे, मुझे ये लगता है कि अभी भी जो लोग एक्टर हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उनकी आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट है. लाइक उडारी फॉर इंस्टेंस, लाइक उडारी में एक कैरेक्टर प्ले किया, या दो तीन और जो प्लेयर्स हैं दास्तान में एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया, तो पीपल डू अप्रिशिएट एंड दे लाइक यू एज एन एक्टर. बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज लाइक अ सोशल मीडिया स्टार, इफ यू से कि वो एक लाइक पहले मैं नहीं सोचता था कि यार सोशल मीडिया ये क्या बकवास है यार, यानी आप लोग स्नैपचैट भी कर रहे हैं और इंस्टा भी हो रहा है और खा भी रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या यार हर चीज़. बट ग्रेजुअली ऑब्वियसली आई जस्ट रियलाइज्ड कि स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया की बहुत. अब वो इस वजह से है कि आप सोनिया देखो कि टेलीविजन देखने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, बैठेंगे, फिल्म पे जाना पड़ता है, मोबाइल फोन्स आर ऑलवेज इन योर हैंड, यू आर ऑलवेज लाइक चेकिंग योर यू नो इंस्टा, तो इसलिए वो एक्सेस बहुत लोगों का हो गया है. सो इट डज मैटर. प्लस इफ यू लुक एट अ लॉट ऑफ स्टार्स इन पाकिस्तान, जिनको हम स्टार्स कहते हैं, तो वो बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से क्लिक हुए हैं, देन लेटर ऑन देव एंटर्ड द एक्टिंग फील्ड और होस्टिंग फील्ड, और देव बिकम सोशल मीडिया यू नो इंपॉर्टेंट. या दे हैव दैट वर्क्स बोथ वेज नाउ. इट डज. या सो नॉट करंट. नो आई फील कि सोशल मीडिया पे जस्ट अनदर, आई मीन जस्ट टेक इट एज अनदर चैनल, यू नो, कि आप चार अगर छह एंटरटेनमेंट चैनल, तो सोशल मीडिया भी एक आपको उसको भी कवर करना है. एंड आई थिंक इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज़ नो हार्म इन इट एज वेल, बिकॉज आप बड़ी इजीली अपनी बात कह सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं. यू डोंट हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, साला साल नहीं लगता आपको बात पहुंचाने में. अगर बात कुछ पहुंचनी हो, जिस तरह पॉजिटिव साइड भी बहुत है, लाइक इफ यू वांट टू हेल्प समबडी, इफ यू वांट टू कोई चैरिटेबल काम है, तो इट वर्क्स. आई थिंक अच्छा, इन 10 सालों में कोई ऐसा टाइम है या वो कौन सा टाइम है जब तुम सबसे ज़्यादा डिजेक्टेड फील हुए हो, या सबसे ज़्यादा तुम्हें मुश्किल फील हुई है, डिप्रेशन फील हुई है कि ये क्या है, या ये काम कहाँ फंस गया हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं है? ऐसा नहीं हुआ. जब मैंने शुरू में आई ओन माई लाइक जितना भी काम किया, मैं कहता हूँ यार ये मैंने किया है, और मैंने फिल्म शुरू में की. I know. I work with Sayed Noor Saab, I work with Sangeeta, and I work with Iqbal Kashmiri. Avenue की एक production थी, वो किया, अच्छी थी उस जमाने के हिसाब से, अच्छी थी 10 साल अगर पहले देखा जाए. बट वो उससे मुझे शिफ्ट होने में, टेलीविजन की उसमें शिफ्ट होने में मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया.
आई थॉट के बिकॉज शुरू में आप काम करके ही सीखते हैं, और मैं इस बात से बहुत आई फील वेरी गुड कि मैंने अच्छा बुरा काम दोनों करके सीखा है काम, एंड आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, यू नो, और मैं जो करके आया हूँ वो मेरे साथ मेरा हिस्सा है वो, एंड वो मैंने बुरा काम अगर नहीं किया होता तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं आती कि यार मुझे अपने आप को चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, एंड आई हैव दैट थिंग कि आई सॉर्ट ऑफ लर्न क्विक, यू नो, कि यार ये करना है, तो वो चीज़ें की उनमें थोड़ा सा अभी देखते हैं तो बहुत मुझे बुरा भी लगता है कि यार ये क्या मैंने बकवास काम किया, क्या गाना किया था मैंने यार, ये क्या किया है, बट वो इट वॉज पार्ट ऑफ यू नो माई जॉब एंड आई जस्ट डिड बिकॉज चूज करने के लिए कुछ था नहीं, रैंडमली कर रहा था काम तो कर लिया, और शिफ्ट होने में वो इशू जो था वो जो एक एक कहते ना फर्क, एक लॉलीवुड और एक अच्छा ड्रामा टीवी फिल्म एक्टर जो अब है उसमें जब शिफ्ट करना था कुछ 6-7 साल पहले उसमें मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। तो किन चीजों में फील हुआ कि लाइक एक्टिंग ओवर थी या वो एक दुनिया ही इंडस्ट्री ही बिल्कुल डिफरेंट थी? सोनिया देखो शुरू में आप अपने आप को भी जज नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर क्लूलेस, एंड आई वाज आल्सो लाइक मैं इतनी मैच्योर एज में भी नहीं आया था, आई वाज वेरी वेरी यंग कि जैसे बस एक बच्चे को शौक होता है। तो फिल्मों में आए कैसे वैसे? ऐसे रैंडम, ऐसे रैंडम, वो भी फिल्मों में पहले, यूजुअली देख लें कितना मुश्किल था, यूजुअली पहले टीवी बॉय बनते हैं, कुछ कमर्शियल्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, लेकिन आई मेट सैयद नूर साहब समवेयर एंड आई मैट संगीता समझ सर किसी मुझे काम करना है और उन्होंने कहा जी आ जाएं काम करना है, ऐसे हुआ, रैंडम था और ऐसे इत्तफाक हो गया कि कर लिया। तो फिर टीवी पे क्यों आए? बिकॉज टीवी पे स्क्रिप्ट्स यार ज्यादा अच्छे, मतलब मैंने शुरू में जो स्क्रिप्ट मुझे मिला वो इशफाक अहमद साहब का एक स्क्रिप्ट मिला, एंड आई वर्क विद यू नो लाइक अयूब खावर साहब इन लाहौर एंड शौकत जैनुलाबदीन, एंड देन यू नो लाइक फिर यहाँ पे जब कराची काम करना शुरू किया तो आई रिमेम्बर वर्किंग विद हाइसम इन दास्तान, एंड देन मुकद्दस ज़ेबा बख्तियार का था, वो बहुत अच्छा था उसमें, देन आई वर्क विद महरीन ऑल्सो, सो वो करते करते मुझे लगा यार कि दैट इज़ नॉट माई प्लेस, मुझे एहसास हुआ, पहले मुझे लगता था कि यही शोबिज़ है यार, ये लॉलीवुड ही शोबिज़ है, नॉट दैट क्या मैं उन जज नहीं कर रहा कि बुरा है, आप हर मार्केट की, आप आज भी पश्तो फिल्में भी बनती हैं यार, आई एम नॉट अ पश्तो एक्टर बट देयर आर लॉट ऑफ पश्तो एक्टर्स हु आर स्टार्स फॉर देम फॉर अफगानिस्तान एंड फॉर दैट बेल्ट, यू कांट लुक डाउन अपॉन, आई मीन दैट्स नॉट द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू, बट वो एक है सुल्तान राही साहब भी स्टार थे यार पंजाबी फिल्म के, सो बट आई वॉन्ट टू बिकम समबडी एल्स, तो फिर मुझे वो शिफ्टिंग में थोड़ा इशू हुआ, लेकिन अच्छा एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि तुमने ऑब्वियसली तुम फिल्मों में भी तब आए जब शान वॉज अगेन कमिंग अप, सो आई एम श्योर यू हैड टू मेक योर प्लेस देयर एज वेल, और अब दोबारा जाके लाइक पहले इंडस्ट्री बीच में तो बिल्कुल ही बेचारी बैठ गई ना, और सारा ड्रामों पर ही फोकस हुआ, और अब जाके दोबारा इट्स स्टार्टेड अ सेकंड लाइफ, you know the film world in Pakistan, shukar hai, and yes experimental hai, aur kuch hits ho rahe hain, kuch flops ho rahe hain, kuch you know log try kar rahe hain, because obviously wo I think sabka ek concerted effort hai ki jo pehle wali film mein hoti thi wo na ho, kyun hai ye yaar pehle wali, why is it a conscious thing ki yaar wo bhi badi entertaining maze ki filmein hoti thi, nahi yaar maybe entertaining hoti thi but somehow bahut zyada अगर वो मैसेज की उस आई थिंक उस ज़माने की मैंटेलिटी के हिसाब से मैसेज के लिए ही बनती थी, एक सर्टन क्राउड के लिए बनती थी, बट नाउ लाइक हमारा एक्सपोजर पाकिस्तानी ऑडियंस का भी और जनरली भी इतना एक्सपोजर बढ़ गया है, वी वॉचिंग ऑल दी अंग्रेजी स्टफ एंड इंडियन स्टफ एंड ईरानी स्टफ एंड रशियन स्टफ, हर जगह नेटफ्लिक्स है, नेट पे है, यूट्यूब पे है, सिनेमाज में है, सो देन आई थिंक लोगों का चॉइस भी चेंज हुआ है, दे वॉन्ट better stuff to be happening in their own industry as well. So naturally, I think ज़्यादा aesthetically, शायद जैसे जवानी फिर नहीं आनी का script अगर आप देखते हैं तो script मुझे वो याद दिलाता कि वो शायद 90s की या 2000 की जो फिल्में थी, शमीम आरा की फिल्में या सैयद नूर साहब की कॉमेडी, उस तरह की फिल्म है. Produce तो मुझे पता है तुमने शुरू कर दिया है करना. Direct? Direct के लिए भी I just when I'm off this acting bit. Then I'll plan to direct. अभी नहीं, फिलहाल नहीं. Films, of course. I'm also producing a film. अभी तो shoot कर रहा हूँ, दो फिल्में, दो तीन movies हैं जिनकी shoot चल रही है और produce भी कर रहा हूँ. तुम धरने पे आओ और जरा लोगों को अपनी तरफ बुलाओ, वो तब्दीली आ गई है अब यार.
नकली अंधे फकीर हैं आप, और आप भीख मांग रहे हैं लेकिन कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा. नकली अंधे हैं तो अब अटेंशन के लिए क्या करेंगे आप? आप भीख तो मांग रहे हैं लेकिन अंधे हैं और कोई आपकी तरफ लिफ्ट ही नहीं कर रहा, तो आपने यू हैव टू चेंज द गेम, चेंज इट अप. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली. भाई साहब अंधे को पैसे दे दो यार, अंधे को पैसे. अरे 100 का नोट निकाल दो ना यार. ओए होए. अच्छा कितने बहन भाई हो? We're 5. You're 5? Yeah. और तुम्हारा जो ट्विन है वो is it, are you identical twin? Yeah, identical twin, yeah. नहीं. Yeah, yeah. और वो क्या करते हैं? He's a computer engineer. कभी कभी किया है वैसे बेवकूफ बनाए? नहीं यार, वो he doesn't live here, he lives in England. And वो he doesn't like, somehow he doesn't like this work. One thing, he always wanted to be famous. And but he was more into sports and he kehta main boxer banunga, but then he didn't. Reality check ho gaya, phir computer engineer ban gaya. Lekin kabhi family mein mazak nahi udate the tum log ya wo nahi karte the? Haan, bahut zyada karte the, bahut bahut. And you got away with it? Itne identical ho? Yeah, itne identical hain. Matlab isn't that disturbing ki ek aur banda tumhare samne jo bilkul tumhari shakal ka hai? Bade bada mazay ka udal log sheeshe mein dusre dekhe kehte the yaar ye kya kya scene hai yaar, matlab aise kabhi kabhi hum log pareshan hote the. Haan, yeah, that would. Aur personalities different hain ya ek jaisi hain? Because he's all his life he's lived there, he didn't come to Pakistan with us. Oh. And so he's now kafi fark hai, but deep inside emotion aur cheeze bahut milti hain, bahut zyada. Yeah. Acha to do bhai aur tum teen bhai, aur do behne. Yeah, aur sabse bigda hua kaun sa hai behan bhaiyon mein? Tum chote ho? Chota hu lekin bigda hua पता नहीं, लेकिन वैसे काफ़ी हम काफ़ी वैसे बड़े तहजीब वाले हैं. माँ बाप ने जो ट्रेनिंग की है ना वो सही वाली वो ट्रेनिंग है कि बड़ों का आदाब, खड़े हो जाओ, इस टाइप की जरा ट्रेनिंग है. व्हाट डिड योर मदर से अबाउट उदारी? अबाउट उदारी यहाँ शुरू में, वैसे सच्ची बताऊँ शुरू में नहीं, शुरू में ये हुआ कि उनकी जो क्योंकि वो एविट बड़ी जबरदस्त व्यूअर एंड टेलीविजन की ना, हर ड्रामा उन्होंने देखा. तुम्हारा तो खास तौर पे. और हाँ बिल्कुल. और उनकी जो फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, जो एक आंटियों का ग्रुप होता है ना, वो भी ड्रामे, ओ ऐसे बेटे का ड्रामा आ रहा है तो जरा देखते हैं. जब ये शुरू हुआ तो उनको 2-3 फोन आ गए कि ये क्या काम, ये तो बड़ा जी. तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा ये तो बड़ा क्या काम है, ये बड़ा एम्बेरसिंग सी बात है, तुमने क्यों रोल कर लिया, तुम बच्ची पे बुरी नजर रखते हो. मैंने कहा ओके माँ, जस्ट वेट, कीप वॉचिंग इट. एंड देन सो लेटर ऑन व्हेन द प्रेजिंग वाला पार्ट स्टार्टेड, यू नो लाइक हर फोन कर रहा है कि एक्टिंग और प्ले बहुत अच्छा है और बड़ा जबरदस्त इशू, तो फिर शी वाज वेरी प्राउड लेटर ऑन कि हाँ ये भी हो सकता है. तुमने आगे स्क्रिप्ट की भी बात की थी कि स्क्रिप्ट बहुत जरूरी होता है कि कैसी कहानी है, स्क्रिप्ट ही जरूरी होता है. और तो ये लोगों को एहसास क्यों नहीं होता यहाँ पे, क्यों नहीं काम करते ज्यादा स्क्रिप्ट पे? यार आई डोंट अंडरस्टैंड, जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो एक इट्स द स्केलेटन, इट्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर. मुझे सुनिए, ये लगता है कि हमारा काम बहुत ज्यादा हो रहा है टेलीविजन पे. टू मच इज हैपनिंग एंड वी डोंट हैव एनफ राइटर्स. दैट्स तो वो जो चंद अच्छे राइटर्स हैं उसके चंद लोग उठाते हैं और प्लेस बनाते हैं, तो इसलिए आपको कभी कभार एक अच्छा प्ले या दो अच्छे प्ले नजर आते हैं. बाकी उन्होंने फिलअप करना होता है, सॉफ्टवेयर डालना होता है, तो वो कुछ भी आता है तो. बट आई हैव आल्सो फेल्ट बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई टॉक टू द चैनल्स व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज दे वांट एंड व्हाट दे नहीं, आई हैव रियलाइज्ड कि दे वांट समथिंग नाइस एंड डिफरेंट. बट देन अगेन इट रुलाना क्यों है भाई? हाँ, लाइक एंड ऑफ द डे वो रेटिंग का बड़ा गेम होता है, जिस चीज का रेटिंग तो रेटिंग नहीं आएगी. हाँ, मेरी ऐसी डायरेक्टली क्योंकि इस तरह की बात किसी से हुई नहीं. I'm dealing with all like अभी तक एक decent जो चाहते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, but वो भी इतना अच्छा हो कि आर्टी आर्टी भी ना हो जाए, कि आप बिल्कुल ही एक death हो जाए, tangent पे चले जाए. It has to be entertaining also, at the same time emotional also, because हमारा यार we can't escape this emotional part from our lives, you know, like पाकिस्तान में एक emotional ride जरूरी है सबके लिए बहुत. ये तो है, I agree. कौन से ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करके तुम्हें लगा कि तुमने बहुत सीखा है? क्योंकि तुमने कहा ना कि पहले कुछ साल तो पता भी नहीं चला कि क्या कर रहे थे, लेकिन हु हैव बीन दोज एक्टर्स हु हैव बीन मेंटर्स जिन्होंने ग्रेशियसली सिखाया? और आई वांट टू बी ऑनेस्ट, आई मीन आई हैव बीन ऑनेस्ट बट ज्यादा ऑनेस्ट कि मुझे शुरू शुरू में जो लोग एक्टिंग में बहुत अच्छे लगते थे वो बाद में अच्छे नहीं लगते थे. रियली? क्योंकि
तब मुझे बिल्कुल काम जब नहीं आता था, मैं कहता था यार ये कैसे लाइन बोल रहे हैं, बट ग्रेजुअली बनाए, जब ज्यादा काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ओहो ये तो गलत कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन किसी एक्टर से मुझे नहीं ली. मुझे आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्टर्स वाचिंग मूवीज और स्टफ फॉर हाउ टू डू दिस यू नो, लाइक फॉर पाए इम्तियाज एवरीथिंग इज ओरिजिनली बाय मी, ऑल द जेस्चर्स, all the dialogues, I haven't seen anything, I didn't watch anything, I didn't read anything. मैंने ये जो child molestation पे एक the lovely bones एक film है, एक book है, वो पढ़ी भी है, वो भी काफी देर पहले, अब वो मुझे बहुत intense लगी थी. तो इसी तरह मुझे किसी एक्टर से वो डायरेक्ट इंस्पिरेशन नहीं हुई कभी भी, और सिखाया भी नहीं, किसी ने हेल्प नहीं किया, गाइड नहीं किया खास. दे बी एवरीवन हैज बीन वेरी नाइस टू मी, आई जनरली अभी भी नए लोग आते हैं, एवरीवन इज नाइस टू देम, पेशेंस कभी शायद किसी में कम हो जाए, बट आई फील के मैंने आई थिंक जावेद शेख का जो पर्सोना है, आई मीन द वे ही इज, वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे पर्सनली मोइन अख्तर बहुत अच्छे लगते थे, अरमन मकसूद, बुशरा अंसारी एंड नदीम बेग, और आई थिंक कुछ आप हर एक्टर से कुछ ना कुछ उनकी अच्छी चीज़ नोटिस ज़रूर करते हैं, हमायों की कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, तो कुछ और दो चार एक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आप पिक करते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग इज़ वॉट यू फील, यू नो, इट्स ऑल्सो अबाउट मनूवरिंग योर करियर, हाउ टू what not to do and what to do and where to go, where not to go, what to wear. It's a whole package, you know. So you, it's not just acting that you learn from somebody directly. That I think वो बहुत अंदर से आपकी चीज़ होती है. तो मैं वो feel जब तक एक हो जाती script पढ़ के कि यार ये मुझे ऐसे करना है, अगर मैं होऊंगा तो कैसे करूँगा. तो इसी direct learning किसी से नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों की शायद एक pickup points कुछ होते हैं. अच्छा अब आपने mimic करना है. बहुत बुरा हूँ यार mimic, please नहीं यार. ट्राई तो करो. अच्छा. सुल्तान राही बहुत गुस्से में हैं और जागीरदार पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी वालदा के बारे में बुरा भला क्यों कहा है, और अब आप सुल्तान राही हैं. जागीरदार तेरी जरूरत क्यों हुई, मेरी माँ का दुपट्टा वापस कर. वैसे पूरा तो कुछ ऐसे ही था. हाँ बिल्कुल, ब्लिंक भी नहीं किया तुमने एक दफा भी. ओह माय गॉड. अच्छा, इमरान खान आस्किंग हमजा अली अब्बासी व्हाई ही इज बिजी विद गर्ल्स इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग धरनास. तुम धरने पे आओ और जरा लोगों को अपनी तरफ बुलाओ, लीव द गर्ल्स अलोन यार, तब्दीली आ गई है अब यार. अच्छा, मीरा टेलिंग द मीडिया दैट शी इज सेलिब्रेटिंग हर 20th बर्थडे. तुम मीरा. आई एम एट Nail bar, and this is Nail, and I'm 20. I will become 20 now. So Sonia kya naam hai, Marine, my best friend Marine, and Sonia will cut the cake and Nail bar, yes. I love it. मुझे लगता है हर चीज का सोनिया एक पर्पस होना चाहिए. How can you just, you know, like आप एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सिर्फ नाच गा के आप, या आप चार डायलॉग्स इमोशनल बोल के आप लोगों को ये क्या फीड कर रहे हैं. एज अ प्रोड्यूसर मुझे महरीन बता रही थी कि तुम बहुत डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हो और तुम एक्टिविज्म की तरफ जाना चाह रहे हो कि कुछ ऐसे इश्यूज उठाए जाएं जिन पे डिस्कशन शुरू हो, तो व्हाट आर योर प्लान्स देयर. यार आई ऑलवेज मतलब आई हैव रियलाइज्ड कि हमेशा से ये पता था, लेकिन लगता यह था कि ये जो टेलीविजन और फिल्म है ये बस एंटरटेनमेंट है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, जस्ट ग्लैमर और लड़कियां तैयार हो जाएं, लड़के तैयार हो जाएं और ग्लैमर करके और गाने वाने गा के और चले जाएं. बट रिसेंटली बहुत ज़्यादा मुझे ख्याल आया, कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व की. सोशल मीडिया पर एक मैं आई रैंडमली मेट एन ओल्ड गाय, आई मेड हिज वीडियो एंड इट वेंट वायरल. दैट वॉज लाइक, वो बहुत अच्छा बेचारा बोल रहा था और बड़ा मुझे
अचानक से उसने सरप्राइज किया कि यार ये तो कोई बहुत जबरदस्त फैमिली का आदमी लग रहा है, लेकिन उसकी जगह और घर मैंने देखी एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि वो किस तरह है। एक अलमारी उसने रखी हुई थी बस बारिश जब होती थी उसके नीचे वो सोता था और ही वाज उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया हुआ था। सो आई मेड द वीडियो और सोशल मीडिया पे फ्लोट की कि इसकी हेल्प आउट हो जाए, फिर सम अ लॉट ऑफ पीपल केम आउट या ऑफ कोर्स एंड देन वी वर शूटिंग इन दिस विलेज एंड मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा फील होती है यार ये चीज़ें कि हम लोग मतलब सोचते क्यों नहीं, देख के हम लोग इग्नोर कर दें, आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं यार। यानी वो औरतें मैं देखता था कि घड़े में जाती थी, इस ज़माने में यार कराची से 3 घंटे दूर है और वो अभी भी घड़ों में लेके जाती हैं और दूर से कई बेचारी पानी भर के आती हैं। और क्या था कि उनके पास सिर्फ इतना नहीं था कि आप कुछ 100 फुट का पाइप लगाएं और वो पंप लगाएं और उनके घर में पानी आ जाएगा। सो वी डिड दैट ऑल्सो ओवर देयर के उड़ा के हर, मुझे लगता है हर चीज़ का सोनिया एक पर्पज़ होना चाहिए। हाउ कैन यू जस्ट यू नो लाइक आप एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सिर्फ नाच गा के आप, या आप 4 डायलॉग्स इमोशनल बोल के आप लोगों को ये क्या फीड कर रहे हैं? व्हाट आर यू गिविंग टू द सोसाइटी? व्हाट आप किसी के जहन में जब आपको मौका भी है, लाइक मुझे आपको यहाँ बैठे हुए हमें मौका हम टेलीविजन पर जा रहे हैं, वी कैन हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं अच्छा यार, तो आप एंटरटेनमेंट के साथ कुछ अच्छा भी डालें। सो आई ऑलवेज फील कि कुछ आप अपनी ज़िंदगी में आप साथ साथ चल रहे हैं तो थोड़ा सबको इस काम को भी लेके चलना चाहिए। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी पर्सनली, ये हर एक को शायद फील नहीं होता बट इट हैज टू। एंड देन व्हाट हैपेंस, लॉट ऑफ पीपल से कि आप सोशल मीडिया पे क्यों लगा देते हैं? जब मैं सोशल मीडिया पे लगाता हूँ तो यार मेरे 50 दोस्त हैं जो मुझे फोन में कहते हैं ओके यार वी ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प, ओके यार आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। सो इट्स लाइक यार नहीं कोई चीज जो करनी है वो बिल्कुल एक रैंडम खोखली चीज नहीं करनी मुझे, एम्प्टी नहीं रहना, इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी रीजन टू डू इट, छोटा सा भी उसमें एक मैसेज हो तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको फिर तुम, आई मीन आई विश एवरीवन वुड थिंक लाइक दिस, लेकिन फिर इसमें वो रेटिंग्स का मसला नहीं आता? यार उडारी आपके सामने है, अभी एक और प्ले चल रहा है जो ट्रांसजेंडर्स पे बन रहा है, वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई फील एनी एवरी टाइम दैट यू हैव डन समथिंग different or something substantial. I mean, ये तो फिर जो makers हैं उनका दिमाग, I mean, if they are makers, if they have the authority, if they're there, so they should bring up the scripts and they should, you know, like mix entertainment with this awareness thing and they should start spreading. यार और क्या तरीका है पाकिस्तान में education का? हमारी political जो लोग हैं वो तो help out नहीं करते education में। आप जो government schools हैं उनकी हालत देखें आप जाके, वहाँ कोई ना आता है ना जाता है। So how would you help? I mean, you will just sit and talk. Yeah, aapka aap status hoga, aapka bas Facebook ki this is very sad. But what are you doing? What are you doing to teach? I agree. मुझे आज भी अभी scripts आते हैं तो जैसे हम एक scene आता है कि गाड़ी में phone पे बात कर रहे हैं। तो मैं तो उनको बोलता हूँ writer को कि आपने लिखा क्यों, क्योंकि हमारा असूल नहीं कि गाड़ी में हम phone पे बात नहीं कर सकते। It is wrong. I will not shoot the scene. मैं गाड़ी रोक के बात करूँगा। और आप belt क्यों नहीं लगाते? How do you teach people? If I am not wearing a belt and I am hero, गाड़ी चल रही है यार आप गलत चीज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। So these are small little things that we, as a citizen, we need to work on these things also. That's what I feel personally. Yeah, I think that's करना चाहिए। Yeah, I think that's very important. Yeah, I'm very, glad very, you're doing it, bhai. Yeah. Excellent. So मुझे खुशी है कि इस नोट पे actually हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं क्योंकि I really like what you're doing, and I think it's really good, and I like how you're thinking about things. And it's very important, Sonia. Yeah, for all of us, jinki jinke kuch bus mein karne ke liye hai. Agar wo bhi aaram se baithe rahenge, to jo jo layman hai, wo to bechara apne kamon se nahi nikalta. Yeah, you're right. Isi ke saath aisa na main to gappe maarte rahenge, lekin aapko ab jana padega. Program ka waqt khatam ho gaya, lekin dekhne ka bahut bahut shukriya. Bye bye.